बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 T20 मैच की सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम का 18 रुकन स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 T20 मैच की सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का इंतखाब मिसबाह उल हक और कप्तान बाबर अजम की मुशावरत से किया गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 T20 सीरीज के लिए स्क्वाड में सरफराज अहमद और हुसैन तलत की वापसी हुई है। दोनों को रोहिल नज़ीर और जफर गौहर की जगह टीम में शामिल किया गया। कौमी टीम की कप्तानी बाबर आजम करेंगे जबकि वाइस कप्तान शादाब खान होंगे। उनके अलावा स्क्वाड में अब्दुल्ला शफीक, फहीम अशरफ, रोहिल नज़ीर, हारिस रऊफ, हुसैन तलत, इफ्तार अहमद, इवाद वसीम, खुदल शाह, मोहम्मद हफीज़, मोहम्मद हसनैन, मूसा खान, मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद, शहन शाह अफरीदी, उस्मान कादिर और वहाब रियाज शामिल हैं। फख्र जमान ने जिम्बाब्वे खिलाफ सीरीज के 3 मैचों में शिरकत की, ताहम बुखार में मुबतला होने के बाद वो दौरे न्यूजीलैंड का हिस्सा नहीं बन सके। कौमी क्रिकेट टीम और शाहीन स्क्वाड 14 आइसोलेशन का दौरा मुकम्मल करने के बाद क्वीन्स टाउन के लिए 8 दिसंबर को रवाना होंगे। दोनों टीमें मुख्तलिफ होटलों में क्याम करेंगी और मुख्तलिफ अवकात में ही ग्राउंड में ट्रेनिंग करेंगी। 14 दिसंबर को पाकिस्तान शाहीन वगराई के लिए रवाना होंगी जबकि कौमी टीम 15 दिसंबर को अपना पहला T20 मैच खेलने के लिए ऑकलैंड पहुँचेगी।